हेलो, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में मैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बात करूँगा। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, और ये कैसे किया जाता है, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और इनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस या किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस की एक प्रक्रिया होती है, जब अपनी किडनीज खराब पदार्थों को छानकर अलग करने की क्षमता खो देती है, तो इसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। जब यह इस एडवांस स्टेज पे होता है या स्टेज 5 का किडनी फेलियर होता है, तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं। डायलिसिस दो प्रकार से हो सकता है। एक हीमोडायलिसिस होता है, जिसे हम खून की डायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस पेट में नली डालकर किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में खास बात यह है कि यह घर पर किया जा सकता है, इसके लिए अस्पताल में बार बार आने की जरूरत नहीं होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रक्रिया में पहले एक छोटी से ऑपरेशन करके पेट के निचले हिस्से में एक ट्यूब डाल दी जाती है, जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर कहते हैं। और यह कैथेटर डालने के बाद पेट में एक विशेष प्रकार का फ्लूड डाला जाता है, जिसे हम डायलिसेट फ्लूड कहते हैं। यह आपके पेट में 3 से 4 घंटे तक रहता है, और यह फ्लूड अपने शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या बेकार पदार्थ होते हैं, उनको सोख लेता है। अब यह 3-4 घंटे पेट में रहने के बाद उस फ्लूड को वापस नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार की जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस दो प्रकार की होती है। पहले होता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा प्रकार होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस एक सरल प्रक्रिया है। यह ऐसे लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो दफ्तर जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, या कहीं ऑफिस जाना चाहते हैं। ये इस प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे डायलिसेट फ्लूड को पेट में रखा जाता है, और यह साइकिल 3 से 4 बार की जाती है। दूसरा प्रकार है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। यह एक मशीन के माध्यम से होती है। इसमें रात में सोने के पहले मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो आपके फ्लूड को 8 से 10 घंटे अंदर बाहर रहता है। अगले दिन जब आप सुबह सो के उठते हो, उसको आप डिस्कनेक्ट करते हो, और फिर आप अपना काम जारी रख सकते हो। अगला सवाल है कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर कैसे डालते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर एक पतली ट्यूब होती है, जो करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका एक हिस्सा पेट के अंदर होता है और एक हिस्सा पेट के बाहर होता है। यह एक माइनर ऑपरेशन के द्वारा डाला जाता है। इसमें नाभि के थोड़ा नीचे करीब 3 से 4 सेंटीमीटर का चीरा दिया जाता है, और इस चीरे के माध्यम से पेट के अंदर नली पोजीशन कर दी जाती है, और फिर टाँके लगा के पेट को बंद कर दिया जाता है। ऑपरेशन के समय डायलिसिस फ्लूड को डाल के भी चेक किया जाता है कि फ्लूड सही रूप से जा रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार चेक करने के बाद इसको फिर फिक्स कर दिया जाता है। ऑपरेशन के करीब 10 से 15 दिन बाद फिर इसके माध्यम से डायलिसिस चालू की जाती है। यह ऑपरेशन की प्रक्रिया पूर्ण बेहोशी में या मध्यम बेहोशी में या लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है। आइए अब समझते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रक्रिया को हम 4 चरणों में समझ सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट खुद कर सकता है, या पेशेंट के कोई रिश्तेदार या अटेंडेंट जो भी घर में रहते हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा है, तो किसी और को प्रशिक्षित करके उसको किया जा सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रक्रिया घर पे ही 3 से 4 बार की जाती है। ऑपरेशन के कम से कम 15 दिन बाद यह प्रक्रिया या तो घर जाकर टेक्नीशियन सिखाता है, या तो अस्पताल में 1 दिन या 2 दिन एडमिट करके पेशेंट को सिखाया जा सकता है। पहले चरण में जो डायलिसिस की ट्यूबिंग होती है, उसके थ्रू डायलिसिस फ्लूड होता है, जो कि लगभग 2 लीटर के पैकेट में आता है। यह नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई क्वांटिटी के हिसाब से ट्यूब के माध्यम से पेट में डाल दिया जाता है। पेट में अंदर डालने की प्रक्रिया में 10 से 20 मिनट लगते हैं। दूसरे चरण में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो पेट में फ्लूड है, वो करीब 3 से 4 घंटे या 5 घंटे पेट में छोड़ दिया जाता है। तीसरे चरण में इसमें जो फ्लूड है, उसको वापस एक्सटर्नल ट्यूबिंग से कनेक्ट किया जाता है, या एक्सटर्नल पैकेट से कनेक्ट किया जाता है, और जो बचा हुआ पेट में फ्लूड है, वो वापस बाहर आता है। इस प्रक्रिया में 10 से 20 मिनट लगते हैं। जब ये वापस आता है, तो इसका कलर चेंज हो चुका होता है। यूजली वाइट कलर का फ्लूड थोड़ा येलोइश टिंज होता है। इससे ये पता चलता है कि यह शरीर के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को सोख कर या निकाल कर बाहर निकाल के ला रहा है। चौथा चरण में इसमें जो पुराने फ्लूड निकलने के बाद वापस से नया फ्लूड डाल दिया जाता है, 2-2 लीटर के पैकेट में, और इसको फिर से 3 से 4 घंटे में के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया दिन भर में 3 से 4 बार दोहराई जाती है। आइए अब समझते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या अंतर होता है। हीमोडायलिसिस खून की डायलिसिस होती है। इसके लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार बार। हफ्ते में 3 बार
दो या तीन बार कम से कम हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वहाँ पर 3 से 4 घंटे डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। इसमें पेशेंट का खून बाहर आता है और डायलिसिस मशीन में फिल्टर होकर फिर से खून बाहर जाता है। इसके लिए तेज रक्त प्रवाह की जरूरत पड़ती है, जिसे हम एवी फिशला सर्जरी या कोई सेंट्रल डायलिसिस कैथेटर, जो कि गले में कैथेटर डलता है, उसको डालकर पूरा करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो घर में किया जाता है। इसमें पानी अंदर डाला जाता है, जो डायलिसिस फ्लूड बोलते हैं जिसको, और बाहर निकाला जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये घर में किया जाता है, इसलिए कई मरीज पेरिटोनियल डायलिसिस को ज़्यादा सुविधाजनक मानते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में आप यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो अपना आप फ्लूड लेके कहीं बाहर भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। जबकि हीमोडायलिसिस में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप जब भी यात्रा कर रहे होते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे डायलिसिस सेंटर है कि नहीं। पेरिटोनियल डायलिसिस आप सोते समय भी कर सकते हो, उसके लिए जागने की जरूरत नहीं है, जबकि हीमोडायलिसिस में आपका आपका जागना जरूरी है। यूजली यह किसी सेंटर पर जाकर करवाना पड़ता है। इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस में यूजली खाने पीने के प्रतिबंध थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते और खाने पीने पे भी प्रतिबंध ज़्यादा होते हैं। इतने सारे फायदे हैं, लेकिन क्या नुकसान है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, यह भी समझना ज़रूरी है। तो पहली बात है, पेरिटोनियल डायलिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन। कई बार आप जब पेरिटोनियल डायलिसिस में जब फ्लूड अंदर डालते हो या बाहर निकालते हो, इसमें पेरिटोनियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनाइटिस होने पे आपको फीवर आता है, हल्का दर्द होता है, और पेरिटोनियल फ्लूड का कलर भी चेंज हो जाता है, पस डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको एडमिट करते हैं, इंजेक्शन एंटीबायोटिक देते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे या बार बार इन्फेक्शन होने पे पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर भी निकालना पड़ता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वेट गेन। जब जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे पेशेंट्स होते हैं, उनमें यह देखा गया है थोड़ा वेट गेन होता है, क्योंकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस में फ्लूड डाला जाता है उसमें काफ़ी सारे डेक्सट्रोज होता है या शुगर की मात्रा होती है, जो अब शरीर को एडिशनल कैलोरीज प्रोवाइड करती है। और कई बार यह शुगर एब्जॉर्ब होके शरीर के वेट गेन में मदद करती है। तो हीमोडायलिसिस में बल्कि उल्टा होता है, पेशेंट्स का वेट कम होने लगता है, तो यह एक अलग कॉम्प्लिकेशंस है। क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट में पानी काफ़ी देर तक भरा रहता है, इससे पेट में दबाव उत्पन्न होता है, तो इसमें हर्निया बनने के चांसेस होते हैं, या अगर आपको छोटा हर्निया है ऑलरेडी तो वो हर्निया बड़ा होता है। इसलिए ऑपरेशन के पहले डॉक्टर सबसे पहले यह चेक करता है कि आपको ऑलरेडी तो कोई हर्निया नहीं है। अगर ऑलरेडी हर्निया है तो उसको कैथेटर डालते समय या कैथेटर डालने के पहले हर्निया रिपेयर सर्जरी भी करवानी होती है। लास्ट में, पेरिटोनियल डायलिसिस किन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है? तो सबसे पहला, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। बच्चों में खून की नसें पतली होती है, ऐसे बच्चों में एवी फिशुला बनाना या सेंट्रल वीनस एक्सेस कैथेटर डालना मुश्किल होता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत अच्छा विकल्प है। पेरिटोनियल डायलिसिस पे बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, और वहाँ पर भी आप ऐसा प्रोविज़न कर सकते हो कि अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ स्कूल पे भी डायलिसिस कर सकते हैं। बट हीमोडायलिसिस में बच्चों के स्कूल यूजली छूट जाते हैं, क्योंकि बार बार आपको सेंटर पे लेके जाना पड़ता है। दूसरा, कामगार लोग, जो ऐसे लोग जो सर्विस क्लास हैं, जो काम पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप घर पर डायलिसिस कर सकते हैं, दिन के समय आप काम पर जा सकते हैं, फिर जहाँ पे काम पे गए वहाँ भी आप आधे घंटे का ब्रेक लेके फ्लूड बाहर निकाल सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छा है। तीसरा, ऐसे लोग जो हॉस्पिटल आ जा नहीं सकते, जिनको आना जाना मुश्किल है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। चौथा, ऐसे एरिया, रिमोट एरिया, जहाँ पे डायलिसिस फैसिलिटीज़ है नहीं, डायलिसिस सेंटर नहीं है, उनके लिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छा विकल्प है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा महंगा होता है, और यह हीमोडायलिसिस के करीब करीब बराबर ही पड़ता है वैसे तो, बट पेरिटोनियल डायलिसिस में आप ये मान के चलिए महीने के करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, क्योंकि इनका डायलिसिस फ्लूड महंगा आता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।